हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज गीता जयंती का डे है लास्ट, और वीडियो है 18 नंबर डे 18, ठीक है। और आज की तारीख है 10 दिसंबर 2019। तो फ्रेंड्स, आज की लास्ट वीडियो मिलेगी। उसके बाद वैसे ओवरऑल आपने मेरी काफ़ी वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद सबका। काफ़ी लाइक भी दिए आपने, और अगर मेरे से कोई वीडियो में इतनी वीडियो में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। तो मैं वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दे सकूं। और आज की वीडियो क्या है, आज थोड़ा बहुत मिला, बल्कि आज भीड़ हैगी है, काफ़ी भीड़ है, और कल तक एक दो शॉप रहेगी, देखते हैं। अगर आप कल, अगर आपने कुछ परचेज़ करना है, आप कल भी आ सकते हो कल, पर सारी शॉप्स नहीं रहेगी, कुछ जो दूर दूर से आए हैं वही शॉप्स रहेगी। वैसे आज भी काफ़ी जने, बल्कि आज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं शॉपिंग के लिए कि हाँ भाई आज लास्ट डेट है, आज कुछ खरीदना है तो खरीद लें। तो 18 दिन का सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा, मेरी काफ़ी मेहनत लगी, और मुझे काफ़ी आपने, मतलब कि वीडियो भी आपने लाइक की, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवरऑल टेक्निकल लवली मनी चैनल पे तो आपको टेक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। जैसे कोई लेटेस्ट फ़ोन आता है उसके ऊपर मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। जैसे कोई 20 तारा आया उसकी मैंने रिव्यू दे दिया, और मैंने उसके ऊपर जैसे बाइक्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक होगी, ये सारी वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, और आज के लिए मैं क्या खास क्या दिखाऊंगा, आज मेरे पास कुछ भी खास दिखाने को नहीं है। और आज जो सेटअप उतर रहा है मैं आपको वो दिखा दूंगा, जैसे कि जो इन्हें इधर लगा था, और जो इधर लगा था लाइटिंग शो लगा था, वो सेटअप सारा उतर रहा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जी भाई पीछे खड़ा है कैमरे मैन के लिए, चलो आ रहा बढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आज की डे लास्ट है, और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहे, और आपने कईयों ने मुझे सपोर्ट भी किया है, सब्सक्राइब किया है चैनल, और कई मुझे गीता जयंती में मिले भी है। तो चलो बैक कैमरे से स्टार्ट, भीड़ देख सकते हो आप कितनी है। आज भीड़ हैगी इतनी है जितनी नॉर्मली होती है, ठीक है। जितनी इतनी भीड़ जैसे सोम मंगल बुधवार ऐसे होती है, उतनी भीड़ है, आप चेक कर सकते हो। और हाँ, अभी कई शॉप्स क्लोज होने लगी हैं, पर जो इस एरिया में लगी हैं वो तो सारी ऐसी की ऐसी रहेगी, वो कल जाएंगी, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो लगभग सारे शॉप करने आए, शॉपिंग करने आए हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हो। ये बाकी मैंने जितनी भी शॉप है उसके ऊपर मैंने कल वीडियो बना दी थी, और आई होप कि आपको मिल भी गई होगी, ठीक है। आज तो मैं सिर्फ आपको मिला दिखा रहा हूँ, और जो जो चीज़ें उतर गई हैं, ये भाई शुरू से पीछे से देख रहा था, मेरी बिल्ले चक, ठीक है। ये आज जो लाइटिंग शो लगा था वो था 8 तारीख तक, ठीक है, वैसे वो 9 को भी चला था, और गीता जयंती मेन 23 तारीख को स्टार्ट हुई थी, और ये आज 10 दिन, आज तो अब तो ख़त्म हो गया सारा, ठीक है। ये कह रहे थे इधर भी दिखा दो, ठीक है। तो आज की वीडियो लास्ट है, ठीक है, और उसके बाद आपको स्विमिंग से रिलेटेड अगर आपने को कुछ सीखना है, तो मैं बिगिनर के लिए चैनल है ये मेरा, स्विमिंग से रिकॉर्डिंग मैं वीडियो डालता हूँ, तो आई होप कि आपको काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो आज आप भीड़ देख सकते हो, भीड़ काफ़ी है, ये नहीं है कि भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत है, आप ऊपर से देख, भीड़ आज भी काफ़ी है, ये नहीं है कि आज भीड़ नहीं है, ठीक है। और हाँ, मैं स्विमिंग के ऊपर, इस चैनल के ऊपर मैं बिगिनर को स्विमिंग सिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि स्विमिंग कैसे करनी है, सांस कैसे लेना है पानी में, वो सारी टेक्निक ट्रिक्स बताता हूँ इसके ऊपर, और हर सीजन में मेरी नई वीडियो आती है, और बिगिनर्स के लिए ही आती है। और आई होप कि अगर आपने स्विमिंग सीखनी है, और कहाँ पे होती है वो भी मैं सारा बताता हूँ, कहाँ पे होती है कहाँ पे नहीं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। शॉप्स के ऊपर मैंने सारी वीडियो बना रखी है, जो कल मैंने शॉप्स दिखाई थी। ओवरऑल मैंने हर रोज़ कोई ना कोई अलग कंसेप्ट दिखाया है, और मैंने कोशिश की है कि सारी गीता जयंती की मेला आपको दिखा दूँ। तो आज तो लास्ट है, फ़ोन किए जा रहे हैं, भाई ने लाइव चला रहा है, भाई कह रहा लाइव चला रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको गीता जयंती का मेला देख के अच्छा लगा होगा। बाकी अगले सीजन में हम कोशिश करेंगे अगर हमें पास मिल जाए, वैसे मुझे इतना लग नहीं रहा कि हाँ अगर पास होगा तो मुझे कोई बोलेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, कोई मुझे रोके नहीं। हेलो भाई, हाय, कैसा है भाई? मैं फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे आज है, और आ ही रहा हूँ हर रोज। अच्छा, कितने किलोमीटर से? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का तो ब्रह्म सरोवर है। अच्छा भाई, इतने दूर से? ठीक है, ओके भाई, शुक्रिया। फ्रेंड्स, ओवरऑल जिन्होंने वीडियो देखे वो मुझे यहाँ मिले भी है, काफ़ी जने आए भी है वीडियो देख के, जैसे कि इन्होंने कोई सामान लेना है तो उनको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है। अगर आपको बेनिफिट हुआ है मैं एक मिनट करके बताना, बाकी आपने इंजॉय तो किया ही होगा, काफ़ी इंजॉय किया होगा, ठीक है। तो बस यही सिस्टम है, और अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फेस फ्रंट कैमरा चला लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आज मतलब कि लास्ट डे है,
आज लास्ट डे है, तो आज लग रहा है कि हाँ की प्रमोशन हो गया, किसी इंतजार मिला ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे इसके ऊपर। मैं संडे टू संडे वैसे लाइव आता हूँ कि मेरे ये वाले बाल हैं ना, ये साले आगे से पीछे कहीं जाते ही नहीं है, या तो इनको कटिंग काट दिया जाए या तो फिर इनका कुछ किया जाए, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ओ मेले वाली चीज़ मैं ये चिंटू के लिए लेके गया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि दोस्तों के साथ मेले पे आओ और खप करो, अच्छा लगता है, मतलब कि रोला ऐसे किसी को परेशान नहीं करना। आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज पहले मैंने तैयारियाँ दिखाई थी, अब तैयारियाँ समेटते हुए दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। अभी जो समेट रहे हैं सामान, बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं, आपको मैं बहुत दिखाऊंगा। आज गीता जयंती डे का लास्ट डेट है, हाँ, मतलब कि अब क्या करूंगा मैं टेक्निकल के ऊपर। मैं अभी सैमसंग में काफ़ी फ़ोन आने वाले हैं, ओवरऑल सभी में फ़ोन आने वाले हैं, तो उसके ऊपर अब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलो आपको दिखाता हूँ सेटअप कैसे उतर। यहाँ था लाइटिंग शो, तो अभी आप देख सकते हो कि इन्होंने लगाने में कितना टाइम लगाया, उतारने में तो चुटकियों में उतार दिया इन्होंने सारा सेटअप, चुटकियों में जी आप देख सकते हो। ये सेटअप की वीडियो मैंने बनाई थी जब ये सेटअप तैयार कर रहे थे, ठीक है। अब ओवरऑल इन्होंने सारा सेटअप उतार लिया है, ठीक है, थोड़ा सा सेटअप रहता है, ठीक है। और ये ड्रम आप देख सकते हो, ये सारे सेटअप उतर गया है, ठीक है। और इसी तरह ये शॉप्स है कई, जो इस साइड तो खैर ओवरऑल चलेगी, वो उस साइड वाली शॉप्स कई खाली हो चुकी हैं, ठीक है। और जब हमने स्टार्ट किया था तब ये सेटअप आना स्टार्ट हुआ था, मतलब कि तैयार ही हुआ था, अभी ये बेल्डिंग से सारा उतार भी दिया है। और लाइटिंग शो की मैंने वीडियो बना दी थी, ठीक है, कई कह रहे थे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। अभी ये मीटर चल रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी ये मुझे पता नहीं है। और बस आज आप इतनी भीड़ से देख सकते हो, बाकी उधर हरियाणवी जो विलेज था वहाँ मैं नहीं शूट करूँगा, क्योंकि आज की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी ना बने। और आज मेरे साथ लास्ट, मुझे एक चीज़ बताना कि डे वन से किसने, मतलब कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, और तब क्या हुआ था कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब भी मुझे गीता जयंती के मैंने वीडियो डाली हुई थी, तो काफ़ी जनों ने देखी थी और काफ़ी जनों ने सपोर्ट भी किया था, ठीक है। और तब से ही लेके 3 साल हो गए मुझे ये कवर करते हुए, बल्कि 3 साल बहुत होते ना, 3 साल वीडियो कवर करनी बहुत एक बड़ी वो हो जाती ना, है ना। अगले साल 4th साल, 3 सालों से मैं कर रहा हूँ गीता जयंती का मेला कवर, पहले साल कैसी थी, दूसरे साल कैसी थी, अब 3रा साल है कवर करते हुए, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे 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 आपको वो मिलती जाएगी, कहते हैं डिटेल मिलती जाएगी और चेंज मिलता जाएगा वीडियो में। जैसे कि ये पहली बार मैंने 3 साल में पहली बार ये कवर किया कि मैंने हर रोज़ की वीडियो कवर की है, तो अगले साल हम ऐसी तरह करेंगे। और अगले साल पता क्या करेंगे, डे वन के पार्ट बनाएंगे, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, वैसे ये भी सही रहता है ना, डे वन की एक ही वीडियो सही रहती है, पर पार्ट में थोड़ा अलग हो जाता है, पार्ट में वीडियो छोटी हो जाती है और बेनिफिट भी हो जाता है, ठीक है। और बस डे वन में ही सही रहेगी, डे एक डे में ही ओवरऑल सारी ही अच्छी रहती है, ठीक है। ये भाई आ रहा है पीछे ये आई कैमरे में, कई जने ऐसे होते हैं कि जो कैमरे में आना चाहते हैं। तो अभी क्या सीन है दोस्त, हमारी वीडियो बना लेना, दुखी क्यों है, क्या चाहिए तुझे, पीपनी चाहिए, बढ़िया एकदम जेन्युइन। ये भी आज की वीडियो देखना, आज आप खुद देखना अपने आप को। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा लगता है जिन्होंने वीडियो देखी है, आगे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये नहीं कि अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। और अभी है ना जो मेन है यहाँ स्कूल, आज स्कूल भी आया हुआ है, डेट लास्ट का दिन है, तो स्कूल भी काफ़ी आए हुए हैं, पीछे आप देख सको इस साइड स्कूल भी आए हुए हैं, ये देखो स्कूल के बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है। चलो बैक कैमरा चला देता हूँ थोड़ा, ये देख सकते हो आप, आज भी भीड़ खचाखच है, जो आज आई हैं जो सबसे ज़्यादा मेल फीमेल्स गर्ल्स आई हुई हैं, रीज़न क्या है कि शॉपिंग करनी है, हमें सूट लेने हैं, आज सस्ते मिलेंगे, ये है वो है, आज इसीलिए सारे ये खचाखच दुकानों पर देख सकते हो, दुकानों पर लगी हुई है भीड़, ठीक है। अपा ने कुछ परचेज करना ही नहीं है, बाकी आपको मेले में सबसे बढ़िया वाली चीज़ कौन सी लगी मुझे ये भी बताना, ठीक है। आज डे लास्ट है तो बस आज तो मस्ती चल रहेगी, ठीक है। और आपने अगर मेले में कोई चीज़ ली है मुझे कमेंट करके बताना आपने कौन सी ली है, ठीक है। वैसे मैंने तो कोई चीज़ ली नहीं है, पर मुझे भैया ने गिफ्ट की है, जो मैंने 3D सीनरी बताई थी, सीनरी दिखाई थी, उन्होंने भैया ने मुझे गिफ्ट दी है, ठीक है। वो गिफ्ट अभी मेरे घर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पत्तक बुक तक आपने ली है, ये आप देख सकते हो, हम तो बस आज तो ऐसे ही चल रहे हैं एंड चिल आउट कर रहे हैं,
और हम आराम से धीरे 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 आगे जा रहे हैं। भाई बेलरपुरी बेच रहा है जिस स्पाइडरमैन की गड्डियां। आज तो आप मेला देखो, बस मेला देखो और कहिएगा सीमेंट सिस्टम इकट्ठा कर रहे हैं, सीमेंट रहे हैं। और देखो भीड़, आज जो आए हुए हैं ये मेला घूमने नहीं, आज ये शॉपिंग करने आए हैं। ओवरऑल 100 में से 70% शॉपिंग करने आए हुए हैं आज। 100 में से 70% शॉपिंग करने आया है, ओनली शॉपिंग करने। घूमने वाले बहुत कम है, आज शॉपिंग करने वाले ज़्यादा है। ठीक है, तो आज शॉपिंग डे हो गया ना। चक्को पिंपड़ियाँ ही हैं, हम आगे जा रहे हैं। और इधर का वेदर भी काफ़ी अच्छा है और मैं इसको कोशिश करूँगा कि आज लंबी ना हो, पर क्या करते हैं कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो पता नहीं चलता कब लंबी होगी कब लंबी नहीं हुई। नैना शॉपिंग देख सकते हो, हर कोई शॉपिंग कर रहा है, हर कोई शॉपिंग कर रहा है, धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहा है। ठीक है, जो ब्रह्मोत्सव का लास्ट डे है और मुझे ये नहीं पता कि इसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, क्योंकि जब गीता जयंती चलती है तब तो सबको ये रहता है कि हाँ अभी हम देखें आज कैसा है, आज वो कैसा है। तो आज लास्ट का दिन का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा ये मुझे पता नहीं है। बाकी हाँ, जिन्होंने वीडियो देखी है शुक्रिया एक बार फिर से, धन्यवाद। ठीक है, अभी मैं जो 10 के 4 पकड़ के कह रहा 2, ताऊ कह रहा 10 के हाथ में 4 वो पकड़ के कह रहा 10 के 2। ला 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 ला, हम आगे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आगे जा रहा हूँ। और आज की वीडियो एक ही पार्ट में डालूंगा और बस आज पूरा गेड़ा दिखाऊंगा, मतलब कि बीच में जो स्किप है, पर कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा लंबी ना हो। और आज मैं मतलब गेट नंबर 1 से जो आ गया है, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहाँ से हम चल पड़े हैं और यहाँ तक हम जाएंगे, क्योंकि एक पूरा सर्कल आएगा, जो आएगा वो पूरा सर्कल मारेंगे, उसके बाद एंड गीता जयंती की ये लास्ट वीडियो मिलेगी आपको। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं हर एक साल कवर तो करता ही हूँ, और इसके ऊपर सबसे पहले की वीडियो जो देखी थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो डाली स्टार्ट की थी तो मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, 500 सब्सक्राइबर थे मेरे पास, 500 से कम ही थे। पर जब मैंने गीता जयंती की वीडियो डाली थी तो काफ़ी जनों ने मुझे सपोर्ट किया था, तो इसीलिए मैं हर एक साल की वीडियो कवर करता हूँ। तो लास्ट में क्या आ गया, कछुआ ये बेचारा मुरझा आ गया, बैठा बैठा कहता बस अब मुझे छोड़ दो, अब मैं पानी में जाना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ था रोबोटिक्स का सारा जुगाड़मेंट, और वो मतलब कि जो तार निकालने वाला भाई अभी भी कर रहा है उसका जुगाड़मेंट, ऊपर नीचे से ऐसे कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल आज भीड़ देखो, इस साइड देखो भीड़, कोई कह सकता है कि आज भीड़ कम है, आज सारे शॉपिंग करने। वैसे ये एंट्री गेट एग्जिट और एंट्री गेट भी है कि यहाँ खड़े रहते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ रख ली है। चेक करो, लग रहा है कि आज का लास्ट दिन होगा, ऐसा लग रहा है ना जैसे 4-5 दिन और चलेगा ये, पर कल और परसों तक शॉप्स हटने लग जाएगी, जो दूर की है, जो लोकल है वो तो काफ़ी शॉप्स हट जाएगी, शॉप्स काफ़ी हट जाएगी। और अभी हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रयास तो यही है कि आपको बढ़िया बढ़िया दिखा दूं गीता जयंती लास्ट का डेन। ठीक है, चाहे ये नमकीन हो वो हो, हम चल रहे हैं आगे 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 आगे। लो बना ली खुश, भाई कहता बनाओ, हमने बैक कैमरा ही चल रहा है, आप मैं दूर जा रहा हूँ आप पास में आ रहे हो। ठीक है, तो भाई कह रहा बनाओ, उधर चल रहा है मेला, उधर भी कुछ करतब चल रहा है, चल दिखाता हूँ। ऐसे मतलब कि अभी भी चल रहा है ना, तो आपको दिखाता हूँ, टेंशन ना लो, दिखाता हूँ। तो देखो रस्सी के ऊपर छोटा सा बच्चा, बैलेंस चेक करो बैलेंस, ये देखो बैलेंस चेक कर लो। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, गाने चल रहे पीछे, मैं तो भूल ही गया था, अरे गाने चल रहे थे पीछे, गाने कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, पीछे गाने चल रहे थे। ये तो मेरे ध्यान में नहीं कि उसने गाना चला रखा, पर पता नहीं चलेगा गाना कौन सा है, ये तो अंदर तक आवाज आ रही है, दिक्कत करेगा। अरे गाने चल रहा है पर है पुराना, क्या पता कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, क्योंकि ये पुराना गाना है, अगर आए तो हम आवाज बंद कर देंगे। ये कह रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो आपको मिली नहीं, ये आज वीडियो मिल जाएगी, आज एक ही पार्ट आएगा, लंबा होगा जितना भी 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, तो आज आप आगे वीडियो में। ठीक है जी,
आज देख लेना, और ये जितनी भी होगी पूरी स्किप करके देखोगे तो नहीं मिलेगी, अगर आप ऐसे पूरी पूरी देखोगे तो आपको मिल जाएगी कहाँ आई है, क्योंकि एक घंटा लंबी वीडियो बन जाती है। ओके तो हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। कई हैं, कई जो कैमरे में आते हैं तो वो घर जाके अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वीडियो लंबी होती है, सवर रखना पड़ता है, और मैं वीडियो कट नहीं करता, कट मैं वहीं कट नहीं करता मैं कभी भी वीडियो, बहुत रेयर चांस होते हैं कि जब मैं कट करता हूँ, ठीक है। वैसे मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक बंद कर देता हूँ, ये वाई वाई करते जा रहे हैं, ठीक है, कट नहीं करता मैं इसको, साउंड बंद कर देता हूँ, वो भी तब जब पीछे गाना चल रहा हो, अगर गाना ना चल रहा हो तो नहीं करता मैं। जैसे पीछे गाना चल रहा था, पर आई थिंक वो बहुत पुराना है तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए उसको करेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अभी तो हम आगे ही जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, तो वहाँ डीजे लगे हुए, वहाँ गाने चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ गाने चल रहे हैं, वहाँ मैं बंद करके ऐसे पैदल चला जाऊँगा, उसके दो बेनिफिट होंगे, एक तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, है ना, ये बात भी सही है। तो भीड़ चेक कर लो, शॉपिंग चेक कर लो, अगर आपने 70 रुपये वाली जलेबी खानी तो आप खा सकते हो आज, आज कल भी शायद मिल ही जाएगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी स्किप कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो और लंबी। भाई टिकटॉक पे फेमस है, भाई कह रहा है मेरी मतलब की शॉप की वीडियो बना ले और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा देगा। भाई सब्सक्राइबर मत बना, शॉप वैसे वीडियो बना लेते हैं। भाई अपना नाम तो बता दे। फैज़ नूर। और टिकटॉक पे आईडी फैज़ नूर 80। मेरी भी टिकटॉक पे है, पर मेरे फॉलोवर पता कितने ज़्यादा है, 80। टेंशन नहीं है, पर इसमें 50,000 होने वाले हैं, मतलब कि 200 या 300 कम है, 50 है ओवरऑल, ठीक है। ये शॉप है, मुझे क्लिप पसंद आया था, मुझे रेट ज़्यादा लगा ना, ये बैंड काफ़ी बढ़िया लगे ये वाले, ठीक है, ये 80-80 रुपये वाले बैंड दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। अपना बजट बाहर है, अपनी जेब में पड़े हैं 30 रुपये, ठीक है। तो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप कम कर लो, पर हम खरीदेंगे नहीं, जब पैसे आएंगे तब खरीद लेंगे, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ ज्वेलरी मिल जाएगी, पर मुझे सबसे बेस्ट लगे वो वाले, ये वाले, मतलब कि ये मैं दिया के लिए ले रहा था, ये वाले, ये जो पल्लू से ये लगे हुए हैं, ये ब्लू वाले टांगे हुए हैं, पिंक वाले टांगे हुए हैं, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगे थे, ये कानकुन, ये बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, ये बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया लगे हुए थे, ये वाले, ये आप चेक कर सकते हो। ओए गिर गया, ओ गिर गया, तो भाई सपोर्ट करता हुआ अगर कुछ गिर भी गया, ये भैया बैठे हुए हैं, लो 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 लो, ये फैजू भाई, फैजू, हाँ फैजू, एक फैजू फैजू एक है ना, वैसे भी है ना एक फैजू, मुझे ये दोनों ही कहते हैं, हाँ। बाकी ये आप देख सकते हो, ये रबड़ भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, यूट्यूब पे डालूंगा, है भाई तैयार हो रहा है, यूट्यूब पे आएगी तो ये आप देख लेना, डेट 10 में आ जाएगी, डेट लास्ट होगा, तो चलो अब एंड करते हैं, रेडी तो दे दो, ठीक है। ये आप भाई देख ले, सर्च मार तो वो मैंने कवर कर लूँगा, मार 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 पहले सब्सक्राइब कर, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करा रहा हूँ, और आज की वीडियो लास्ट की आएगी, ये डे आएगा लास्ट है, लास्ट डे 18वां दिन आएगा, बोलो लिख स्विमिंग बाय मनी, हाँ कौन है बेटा, मुसाफिर डबल एम, हाँ भाई बाय डी बाय मनी, आ गया अपना चैनल, ये देख, थैंक यू, ये देख, ये सारी वीडियो मेरी ऐसे ही आएगी जैसे ये आया ना, ओके ओके, ये पार्ट मेले का, हाँ हर मेले का बनाते हो, और नहीं इसी मेले का बनाया है मैंने, ठीक है, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो कह रहे हैं मैं ग्ले कलर का लेके आया हूँ बैंड, वो भी गर्ल्स पीछे बात कर रही थी कि मैं लेके आया हूँ 50 रुपये का, जी 80 का बेच रहे हैं, तो भाई फेसबुक में मुझे अच्छे लगे थे वो, बहुत अच्छे लगे, और डाले वो गाना था कि वो 80 के मुझे अच्छे लगे थे, वो लगाए हुए ना बहुत प्यारे लगते हैं, वो बोल सी बहुत अच्छी लगती है, मैंने पहले ना फोटो खींची थी, वो 100 रुपये का बोल रहे थे, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये इतने महंगे है, क्योंकि मैं अगर इसका सामान ले आके खुद तैयार करूँगा घर में, मात्र ये मुझे कितने के पड़ेंगे मैं जोर लगा के बताऊँ, मुझे 8 से 9 रुपये के पड़ेंगे ये, ठीक है, उससे भी ज़्यादा लगा लो 20 रुपये से ज़्यादा, ये किसी भी हाल में नहीं पड़ने वाले, अगर ये 50 के भी दे रहा ठीक है, पर क्या ज़रूरत है, अब बैलेंस ही नहीं है जेब में तो क्या करें, मैं बैग लेके नहीं आया, बैग में पैसे पड़े हुए हैं, जेब में मैंने पापड़ और नमकीन और बेर खाने के लिए रखे थे, तो वो हम खर्च नहीं सकते, अगर ये कहता कि मैं 30 रुपये का तुझे दे दूंगा तो मैं ले लेता, और मैं खुद लगा के घूमता कानों बोले ऐसे, तो ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, आज डे है यार एंड वाला डे है, ठीक है, तो आज सारे लगभग मोस्टली जहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं, ठीक है, और बस हम आगे जा रहे हैं, और बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ, और बस आज तो मस्ती कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही आज इंजॉय कर रहा हूँ,
मतलब कि बस ऐसे ही आपके साथ इंजॉय होता है, क्योंकि अपना कुछ है ही तो है नहीं, आप अकेले ही होते हैं, अकेले वीडियो बनाते हैं। हाँ, यार दोस्त होते हैं फिर वो खप पाते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसके साथ भी। पर खुशखबरी थी भाई, कैमरा इधर चल रहा है भाई भाई आगे से कर रहा था ऐसे, जहर 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 दोस्तों के साथ आगे होती है मस्ती। पर क्या करें, हमारा तो काम ही ये है वीडियो बनाना। बीच में कई ऐसे मिलते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, पर इग्नोर इग्नोर करो, इग्नोर जो डिस्टर्ब करते हैं उसको इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो, गुस्से को पीना सीखो, उनके बर्दाश्त करो कि हाँ गुस्सा आ रहा है किसी को, चिल आउट, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। ओ भाई हेलीकॉप्टर उड़ाता है, चल दिखाते हैं। बताया कि कई शॉप्स फोल्ड होने लगी हैं, ये देख सकते हो कि ये अपना बोरिया बिस्तर समेटने लग गए हैं, ठीक है। कई यानी यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं, और अब ऐसे भीड़ हैगी है काफ़ी ज़्यादा, और कई जगह ऐसी भीड़ है भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि ठीक है, उस साइड देखो, मतलब कि बिल्ला लास्ट वाला दिन, आई होप कि आपको लास्ट डे भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा ना अलग टाइप का बन रहा है ये ना, मतलब ये उतना पूरे डिटेल से मैं सीरियस होकर वीडियो बना रहा हूँ ना। आज तो बस चल रहा है, कैमरा किधर जा रहा है कुछ नहीं पता, हम तो बस इधर देखो परसों की सेल लगी हुई है, जगह खाचा खाचा, आज लूट लो लूट लो, रेट अब वही है, ठीक है ना, रेट नहीं सस्ता, रेट जो हैगा वो रेट वही है, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, शॉपिंग चल रही है कि यानी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट ज़्यादा गर्ल्स शॉपिंग करने आई है, ठीक है, बॉयज़ तो ऐसे सवाद लेने आए हैं, बाकी पतियों को सैलरी मिल रखी है, घर वालों ने आज सारी उड़ा देनी है, ठीक है, सारी तो नहीं कर, जो भी उनको खर्चा पानी मिला वो तो सारा उड़ा ही देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल भीड़ ये शॉपिंग वाली है, सारे जो आए हुए हैं वो शॉपिंग खरीदने मतलब कि शॉपिंग करने के मूड में ही आए हुए हैं कि आज हम ब्रह्म सरोवर से जो जो चीज़ लेनी है वो ले लेंगे, क्योंकि कल या परसों या एक साल तक तो ये चीज़ नहीं मिलेगी, फिर अगले दिसंबर में मिलेगी, ठीक है। ये बात सही है ना, मेरी बात सही होती है हमेशा। मिलते हैं, इस बंदे की वीडियो देखी थी, क्या कहते हैं सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, क्या कहते हैं ओ भाई तेरी वीडियो देखी थी, इनमें फ़र्क पड़ता है, मतलब कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज में फ़र्क पड़ता है, अपना बोलने का तरीका क्या है, और सारा काम इसी के ऊपर चलता है कि हम अगले वाले को इज्जत देते हैं या फिर अपने से छोटा शो करते हैं, ऐसा वैसे कुछ होता नहीं है, अपन को फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि भाई मैंने तेरी वीडियो देखी थी और काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है ना। बाकी अगर कोई कमी भी बताता तो भी बढ़िया लगता है कि हाँ भाई अगर कोई कमी बता रहा है तो मेरे चैनल की ग्रोथ ही होगी, उस कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि कई जने कहते हैं कि भाई वीडियो छोटी बनाया कर, तो वीडियो छोटी बनती नहीं है, वीडियो ऑटोमेटिक ही बड़ी बनती है। बाकी बस यही था कि वीडियो बड़ी ही बनती है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले छोटी बनाने की, वीडियो छोटी नहीं बनती, तो वीडियो लंबी होती है। लंबी क्यों होती है, क्योंकि तीन किलोमीटर का एक पूरा राउंड है, तो मुझे जो चीज़ दिखानी थी, वैसे ये देख रहे हो बोले, तो लंबी क्यों बनती है, क्योंकि ये बड़ी वीडियो ऑब्वियसली मैं अभी काफ़ी मेन मेन पॉइंट को नोट करता हूँ, पर फिर भी ये लंबी बढ़ जाती है। आज की वीडियो बन जाएगी 40-50 मिनट की या एक घंटे की, बनने तो लास्ट डे है लगे हुए लोअर 100 के दो और है कि सेकेंड हैंड है, चप्पलें स्लीपर्स 100-200 का एक, और कपड़े कपड़े साफ करने की जगह सेल लगी है, कई जगह चल रहे हैं कि हाँ भाई हमने महंगा माल बेच रहे हैं, कई जगह कहते हैं कि हाँ भाई जो बच गया हम घर ले जाएंगे, ये सिस्टम आज चल रहा है। तो भाई पापड़ बेची जा रहा अपने, ठीक है, और हम आगे जाइए जा रहे हैं, और 200 ओहो हो भाई का गला दर्द गया, 200 में लो 200 में लो, भाई क्या कह के थक चुका है, ठीक है। और आगे ये हाफ तक ही मिला होगा, उसके बाद मुझे लगता है इतनी भीड़ होएगी नहीं, पर मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा टेंशन ना लो। बैक कैमरा चला, कैमरा चला दिया है, और बैक कैमरे में क्या करना है आपको सारा दिखा दूंगा मैं बैक कैमरे में, ठीक है। ये गेट नंबर हैगा यार, पता नहीं 7वां 8वां नंबर गेट होगा, ठीक है। अभी तो हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी ने कुछ परचेज़ करना है, आज लास्ट डे है, वैसे कल भी हो गई, एक दो शॉप्स तो आपको कल भी मिली जाएगी, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम जल्दी, अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और वीडियो आई थिंक इतनी लंबी नहीं होगी, क्योंकि जोर मार के ये एक घंटे की हो जाएगी, 1 घंटा 20 मिनट की हो जाएगी। पर हाँ, एडिटिंग करने के बाद इसको अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत तो होएगी, पर कोई बात नहीं, हम उस दिक्कत से निपट जाएंगे, इसको अपलोड कर देंगे और लिखेंगे मतलब कि लास्ट गीता जयंती एंड, डे वन में भी लिखना चाहिए ना, डे फर्स्ट गीता जयंती 250 रुपये में, भाई 250 रुपये में है भाई, कैमरे भी देख रहा और कह रहा है 250 रुपये में लास्ट ईयर, और जब तक ये वीडियो मिलेगी तब तक तो आपको कई शॉप्स ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि ये कल सुबह मिलेगी,
कल सुबह, हाँ ये तो कल सुबह या दोपहर तक मिल जाएगी। ये अभी जो मैं वीडियो बना के आया हूँ वो मैं एडिटिंग करके आया हूँ बाइक के ऊपर, ठीक है, GT 650, ठीक है, 650। ओ क्रिश बनना है तो आप यहाँ को क्रिश के निशान निकाफ भी है आपके पास, ठीक है। अब देख सकते हो जैसे जैसे हम गेट नंबर 2 के पास आ रहे हैं वहाँ भीड़ कम है, बाकी खाने पीने का जुगाड़मेंट इधर हैगा यार, ठीक है। आज की वीडियो में कोई चक्कर ही नहीं है, हम आगे जा रहे हैं। बीच में भाई मिल गया था, भाई कहता कि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पूछना है, तो मैंने उसको डिटेल दी थी थोड़ी सी यार, बाकी मेरे सीन पता नहीं क्या हो रहा है। हम आगे जा रहे हैं और बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते और हम आगे ही जा रहे हैं। और आज डे लास्ट है तो मुझे यार हो तरह हो जा रहा है कि आज मैं लास्ट कहाँ, रोज़ की रूटीन बन जाती है ना कि वहाँ जाना है वहाँ जाना है, वीडियो बनानी है, तो अब डे लास्ट है तो अब थोड़ा और लगता है कि हाँ अभी आज लास्ट है, इसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद हम संडे टू संडे मिलते रहेंगे लाइव। हाँ पिछले संडे तो मैं लाइव आया ही नहीं, ये तो रह ही गया, पर मैं क्या करूँ, मैं वीडियो शूट करने में इतना बिजी था, संडे को सतेंद्र सरताज जाना था और मुझे यहाँ पे 8-9 बज गए थे, और मैंने शूट भी किया था बीच में, कॉपीराइट स्ट्राइक आने के कारण आ जाती मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक, मैंने शूट इसलिए नहीं किया और वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी। बाकी मैंने हॉल पूरा दिखाया, सतेंद्र सरताज जहाँ पे आना था वो दिखाया था, LED में सतेंद्र सरताज ही दिखाया था बस। तो चलो बैक से कैमरा दिखाते हैं, हम डे बल्कि गेट 2 के पास आ गए हैं, और इसके बाद तो बहुत कम भीड़ हो जाएगी, और जहाँ भीड़ होगी मैं वहीं पर कैमरा चलाऊंगा, जहाँ पे भीड़ नहीं है वहाँ कैमरा चलाने की क्या ज़रूरत है। तो चलो आपको इससे क्या होगा, इससे वीडियो लंबी होगी, तो बैक कैमरा चलाते हैं। अब आप मेला इंजॉय, कैमरा चला दिया, 10-10 रुपये वाली सेल लगी हुई है, और यहाँ पे जितने भी आज आ रहे हैं तो सर ओ फोटो सेशन, भाई फोटो सेशन करा रहा है, सही फोटो सेशन हो रहा है, काफ़ी बढ़िया। आप भी आओ फोटो सेशन करवाओ, जब मर्जी आओ, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये भाई ने गवार ले लिया जो रात को जगता रहता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है, ओ ठीक है। अब आप भीड़ देख सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा आया और सारे शॉपिंग करने आया, मैं पूरे दिन में कदम कितनी बार बोल दूंगा भीड़ बहुत है। ये ड्रैंग करती है फेमस, काफ़ी अच्छी करती है, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हो, और आगे जा रहे हैं यार, इनके ना चेहरे पे हमेशा 24 घंटे स्माइल रहनी चाहिए, वो काफ़ी प्लस पॉइंट देती है। सॉरी 24 घंटे चेहरे पे प्लस पॉइंट देती है वो, उससे क्या होता है, एक तो टेंशन कम रहती है, दूसरी कहा कि स्माइल करने से भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हम आगे जा रहे हैं, क्या कर सकते हो, ये छोटे छोटे बेबी घूमने आए, ये कहता मैंने क्या कर रहा है शॉपिंग, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, पर क्या करें जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और गेट नंबर 2, ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर गेट पर आ गए हैं। ओवरऑल सारी जनता यहाँ से यू टर्न मार लेती है, कई होते हैं जो एक आधा आगे चले जाता है, 2 से आगे भी काफ़ी भीड़ है। मैंने सोचा नहीं था कि आज इतनी भीड़ होएगी, आज मैंने सोचा था बहुत कम भीड़ होएगी और आज की वीडियो बहुत जल्दी शूट हो जाएगी, पर नहीं, आज भीड़ बहुत है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस करने के बावजूद भी भीड़ है, ये नहीं कि आज भीड़ नहीं है। तो आप देख सकते हो भीड़ इधर भी है, वैसे वो गेट नंबर 2 के परली साइड ज़्यादा भीड़ रहती है, ठीक है, और आज भीड़ इधर भी है। और वेदर चेक कर लो, वेदर चेक कर लो, ओहो जहर वाला वेदर, जहर वाला, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और आगे जाते रहेंगे, कहाँ तक आगे जाएंगे ये पता नहीं है, ठीक है। हमने बस एक राउंड पूरा करना है जैसे कि मैंने कल पूरा किया था, ठीक है। और आज की वीडियो क्या थी, आज की वीडियो थी गीतांजलि डे लास्ट, और द एंड लिखेंगे, आज फोटो के ऊपर एंड लिखेंगे। स्किप कर दी काफ़ी वीडियो, स्किप मतलब कि मैंने कई जगह वीडियो बनाई नहीं, पिछले से लेके यहाँ तक मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, भीड़ थी बल्कि इतनी ज़्यादा नहीं थी, और वहाँ शॉप्स भी बल्कि लचर्स वाली थी, और इस साइड शॉप्स कम है, बल्कि कम है पर सारे ज्ञान बांटने वाली शॉप्स है, इधर ज़्यादा शॉप्स नहीं है, शॉप्स कम है, ठीक है। और इधर कैसी शॉप्स है ये चेक कर सकते हो, मेरे बैकग्राउंड में शॉप्स है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारी शॉप्स ऐसी ही है, ठीक है। और इस साइड तो मैं आपको कुछ बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये बैक कैमरा, ये फ्रंट कैमरा ही है, फ्रंट कैमरे में सपोज करो अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो कैसा लगता है, अब कंधे पे मर रख के, ओह कंधे पे सही नहीं आ रहा था, बल्कि इसको कंधे पे रख के कैसे लेके जाऊँगा, ऐसे नहीं लेके जा सकता, ठीक है। पर ऐसे मेरे चेहरे पर रोशनी अच्छी आती है और कैमरे का व्यू भी अच्छा आता है, ठीक है। और अभी क्या है, देखो ये सारा एरिया खाली है, इधर खाली है, वहाँ जाके भीड़ है, तो क्या करूँगा मैं, इसको रोक दूंगा वहाँ से सीधा बैक कैमरा। ये भैया ने ना मुझे ये वाली फ़ोटो, बल्कि ये तो श्री राम जी की है, ठीक है, इसमें बड़े वाली फ़ोटो कर रहे थे जो जिसमें कर्ण अर्जुन जी उसको
कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं वो वाली गिफ्ट कर रहे थे, पर मुझे नहीं लेनी थी क्योंकि मुझे लेनी थी छोटी, तो मैंने गणेश जी की ली थी। ये अभी राम जी की ये वाला सैज जो कि काफ़ी ऑसम लगी थी। वैसे ये भी फोटो मुझे बहुत पसंद आई थी, पर वो फोटो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो फूलों के साथ बना हुआ था गणेश जी। और थैंक यू भैया, ओके भैया मिलते हैं फिर। तो ये मुझे इन्होंने मोमेंटो गिफ्ट दिया था अपनी खुशी से, क्योंकि जब मैंने इनकी वीडियो शूट की थी इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि मेरी वीडियो से किसी को बेनिफिट हुआ। कई जनों को बेनिफिट हुआ, वैसे काफ़ी जनों ने मेला भी देखा, जैसे कोई जो नहीं देखने आ पा रहा था फिर उन्होंने भी घर बैठे इन्जॉय किया मेरी वीडियो से। बस इसी तरह आप हेल्प करते रहेंगे और आप लाइक करते रहेंगे मेरी वीडियो को। और आज की जो वीडियो है ओ क्या हुआ ओके तो इन्होंने मुझे मोमेंटो गिफ्ट किया था और ओवरऑल यहाँ पे मुझे काफ़ी प्यार मिला, और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी वो भी मुझे मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने वीडियो देखी है और वो मुझे आके मिल रहे हैं कि हाँ भैया हमने आपकी वीडियो देखी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी है ना कोई इज्जत करता है कितना बढ़िया लगता है ना। उनकी स्पोर्ट्स करो आपने कोई काम किया और आपको लगे कि हाँ भी वो बंदा कह रहा है कि वाकई आपने काम अच्छा किया, तो मेहनत सफल होगी। तो बैक कैमरे से मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ, ठीक है? अभी जो भीड़ है काफ़ी अच्छी खासी है, ये नहीं है कि नहीं है, और शाम हो चुकी है। मुझे था नहीं कि मैं वीडियो शूट करूँगा और इतना टाइम लग जाएगा, मुझे तो ये था कि आज तो भीड़ होएगी नहीं, आज बहुत कम भीड़ होएगी, पर और आज भी भीड़ है, आज भी भीड़ है। और इधर देख सकते हो खचा कर हर कोई सेल मतलब कि परचेज़ करने के लगे हुआ कि आज तो हम लूट जाएंगे, आज तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। आज जितनी भी ऑडियंस आई है, जितनी भी पब्लिक आई हुई है, उनमें से 80% से 70% वाली परचेज़ करने वाली है, ठीक है? 70% में तो यही है कि हाँ भाई हम परचेज़ करेंगे कुछ ना कुछ परचेज़ करेंगे, क्योंकि गीता जयंती ऑलमोस्ट सब ने 4-5 बार देख ली है। तो बस आज की वीडियो आप देख सकते हो कहाँ तक पहुँच गई है, और एंड के पास पहुँचती मैं एंड वहीं के करूँगा जहाँ पे मैंने गीता जयंती स्टार्ट की थी, ठीक है? इधर भी शॉप से जब मैं एक बार भी अंदर नहीं गया, इसके अंदर नहीं गया मैं एक बार भी, ठीक है? अब तो हम आगे जा रहे हैं। ओहो ये बाइक आ रहा मेरे फोटो नासा में लेके भाई रहा ओ भाई कहते अभी नासा में भाई ब्रह्मसरो की वीडियो बना रहा हूँ भाई, ब्रह्मसरो की बना रहा हूँ। अच्छा यूट्यूब पे है क्या तो? हाँ यूट्यूब पे ले। अभी भाई तुम्हें तो ले रहा था, ले 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 पहले भाई कह रहे हैं। ओहो मेरी लैंड मतलब कि मेरे व्यूज़र बोलते हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, मुझे काफ़ी जने मिले, पर मेरी वाली लैंड वो बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे व्यूज़र ही बोलते हैं। तो फ्रंट कैमरा चलाते हैं, जो मेरे व्यूज़र है जो मेरी वीडियो देखते हैं वही बोल देते हैं ये लैंड कि प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना, वो खुद ही बोल देते हैं। काफ़ी जनों ने ये लैंड बोली है और इसका मतलब कितना बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है? एक चीज़ बताऊँ, अगर आप YouTube पे किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी करना जब आप उसकी वीडियो देखोगे, अगर आप उसकी वीडियो नहीं देखोगे तो चाहे ना सब्सक्राइब करना। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर करते हो ना उसमें उस बंदे के चैनल की ग्रोथ अप डाउन नहीं होती। मतलब कि आप सपोज करो सब्सक्राइब कर दिया, कभी आपने उसके चैनल पर आपने नज़र भी नहीं मारी या उसकी वीडियो नहीं देखी, तो उसके चैनल का बेनिफिट नहीं होगा, आपको सब्सक्राइब करने का बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब तभी करना जब आपने उसकी वीडियो देखनी हो, ठीक है? या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसकी साल में अब वीडियो आएगी और हमें देखने की जरूरत पड़ती है उसकी, चाहे साल में देखो चाहे 2 साल में एक बार वीडियो देखो, पर वैसे अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपके पास नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है, तो बंदा खोल के देख ही लेता है, क्या पता हमारी कोई ज़रूरी काम की हो। ऐसे ये बबल्स आया, बबल्स कैमरे में आया, बल्कि है कैमरे की कुछ खास बात है, ये नहीं कि कैमरा बिल्कुल डल है, थोड़ी बहुत तो खास बात है इसमें, जैसे ये पता नहीं बोल गई रेंज से आती रहती है, वो किस चीज़ की आती है ये समझ में नहीं आता मुझे। जब मैं कैमरा लेके चलता हूँ तो कईयों को तो ये लगता है कि मैं ट्राईपोड बेचने वाला हूँ, कई जानबूझ के ये करते हैं कि हाँ भैया ट्राईपोड देना है, बताओ भला मैं ट्राईपोड क्यों दूंगा हैं। उसके बाद मुझे अपनी मेरी टी शर्ट बहुत पसंद है, मैं कहीं पे जाता हूँ कोई शर्म नहीं होती, अपना काम का काम होता है कि हाँ भी कईयों को लगता है कि हाँ भी मैं अपनी टी शर्ट में डाल के जाऊँगा। और ऑलमोस्ट मैं जितनी भी मेरी वीडियो आपको मेरी टी शर्ट्स देखेगी, मेरे अपने चैनल्स की टी शर्ट डाली हुई है, इसमें बेनिफिट क्या होता है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बंदा देख लेता है कि सर्च मार लेते हैं। काफ़ी ऐसे होते हैं जिनमें सिंसेयर होते हैं कि वो बंदे को डिस्टर्ब नहीं करते वीडियो बनाते समय, और अपना देखने वाला देख लेता है, सर्च मार लेता है, ठीक है ना? तो ये वीडियो मैंने ये टी शर्ट मैंने खुद खड़े होकर बनवाई थी, और ये मैंने ऊपर इसलिए लिखवाया था क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ
ये चीज़ तो आती नहीं है, कला माही माही आता है, तो ये मैंने काफ़ी ऊपर रखवाया था, तो अभी लग रहा है कि हाँ अभी ये ज़्यादा ऊपर हो गया, जब कोई दिखता है पता नहीं दिखता होगा नहीं दिखता, पर कैमरे पे तो दिखता ही है। तो अब बैक कैमरा, और क्योंकि एंड पे पहुंचने वाले हैं, हम एंड के एकदम पास पहुंचने वाले हैं, तो आपको थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे वापस उतनी भीड़ होगी, देखते हो आप भीड़ और ओ चक्कर कितनी लंबी। तो ये ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि कितनी भीड़ होगी जहाँ पे, अब की अगर काउंटिंग की जाए तो ये 70,000 के आसपास लोग होंगे, 70 नहीं तो 50,000 तो कन्फर्मली है, कन्फर्म। वैसे मेरी इंग्लिश भी काफ़ी कमज़ोर है भाइयों ने, कईयों ने मैसेज मुझे लंबे लंबे मैसेज मत किया करो यार, छोटे छोटे मैसेज किया करो, उसका काफ़ी बेनिफिट भी होता है, मैं रिप्लाई भी आसानी से दे पाता हूँ और मुझे भी रिप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ओ सांस चढ़ गया, आगे जा रहे हम, तो मेरे साथ नहीं है जाके राजी जय आनंद जमाती है, ठीक है, इसको आप जानते होंगे, इसको आप जानते होंगे, ठीक है, ये आनंद जमातिया था, ठीक है, इसको वैसे किशन किशन के नाम से सारे जानते हैं। ओ फोटो सेशन हो रहा है इधर, हम आगे जा रहे हैं गेट नंबर 1, नणे गेट नंबर 2 इधर, ठीक है, हम गेट नंबर 2 से लेके सारा घूम लिया ओवरऑल, ठीक है, जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी वहाँ पहुँचने वाले हैं, 1-2 मिनट के बाद वीडियो एंड हो जाएंगे, एंड ओहो जहर वाली, आगे जा रहे हैं, प्रदर्शनी चल रही है अभी भी, डे लास्ट तक प्रदर्शनी, आ चुको प्रदर्शनी चेक कर लो, हम आगे जा रहे हैं, भीड़ आ गई थी बीच में प्रदर्शनी की साइड में, हमारा फेस उधर चला गया था, ये भाई बंदा पीछे जा रहा था, क्या बदतमीजी थी, कैमरे के आगे हाथ लेके जा रहा, बताओ पता नहीं क्या बदतमीजी थी, मतलब कि आपके नहीं आया पीछे, इधर मेरे फेस से आगे हाथ लेके जा रहा था, मतलब कि डिस्टर्बिंग उंगली करने में क्या फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी यहाँ से स्टार्ट की थी, ठीक है, वही एकदम आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है, ओवरऑल देख लो भीड़ आज भी अभी भी उतनी है, लग रहा है कि आज की जयंती का एंड होगा, लग रहा है आज डेट लास्ट होगा, ठीक है, इधर वापस फोटोशूट हो रहा है तो हम वीडियो का एंड करेंगे, आप वेदर देख सकते हो, ठीक है, और यहीं से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा, ओहो तो चलो एंड करें वीडियो का, मतलब देख लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, क्या क्या मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, आई बटन में मिल जाएगा लिंक ऐसे करके। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको गीता जयंती आज की अच्छी लगी, और डे लास्ट था आज का, और 18 दिन चलती है गीता जयंती, मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि 18 दिन चलती है, मुझे ये था कि 20-25 दिन चलती है, 1.5 महीना चलती है, ठीक है, 18 दिन गीता जयंती चलती है, सिर्फ 18 दिन, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, 18 दिन गीता जयंती चलती है, उसके बाद जो शॉप्स रहती है आगे लगी रहती है, पर हमने आपको 18 दिन कवर कर दिया, तो 18 दिन कवर पूरा कर दिया, कोशिश की है मैं आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट दूँ, और आज मैं सोच रहा कि थंबनेल के ऊपर एंड लिखेंगे, ओ थैंक यू, ये थे मीडिया वाले और इन्होंने मुझे लाइक करके गए, पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे ना मेरा मूड ख़राब कब हुआ था, जब वो 18,000 बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, मैं वीडियो बना रहा था, किसी को कोई डिस्टर्बिंग नहीं थी, किसी को कोई कुछ नहीं था, बस ऐसे ही किसी ने, चलो छोड़ो पड़े, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे कि पास मिल जाए, पास मिलने के बाद वहीं पे शूट करेंगे, पूरा स्कूल सारे बच्चों को शूट करेंगे, एक एक बच्चा कवर करेंगे, और जिन्होंने कमेंट किया था पता नहीं वो कैमरे में आ पाए या नहीं आ पाए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे गीता जयंती कवर करके, और आपको गीता जयंती देख के अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और बस गीता जयंती यहीं पे समाप्त होती है, और हम मिलेंगे अगले साल गीता जयंती पे, उससे जैसे गर्मियों का सीजन स्टार्ट होगा मैं स्विमिंग की वीडियो डालने लगूंगा, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप मेरी वीडियो देख के सीख सकते हो, हल्की फुल्की स्विमिंग आपको आ जाएगी, कई प्रोफेशनल भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल निकम्मी डालता हूँ, वीडियो इतनी रहती है कि बिगिनर जिसको स्विमिंग नहीं आती उसको अच्छी खासी स्विमिंग तैरनी आ जाएगी, उसके बाद ड्रिल्स बताता हूँ कि कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, टेक्निक के ऊपर कैसे काम करना है, ये सारी वीडियो बनाता हूँ जिसमें डाइविंग कैसे मारनी है, बटरफ्लाई कैसे करनी है, ब्रेस्ट स्ट्रोक कैसे करना है,
ये सारा कुछ बनाता हूँ। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी। आज डे लास्ट था, पार्ट एक ही है ये, ठीक है। पार्ट टू नहीं कर सकता, थ्री नहीं कर सकता क्योंकि आगे तो आना ही नहीं है। तो बाय फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। बाय, अच्छा लगा तो इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा लाइक कर देना। और बस ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं मतलब कि एक होता ना कि अब छुट्टी हो जाएगी, मैं घर जाऊँगा, काम ख़त्म हो गया। नहीं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी कुछ दिन गीता जयंती और चलनी चाहिए थी। मतलब कि होता ना कि एक बंदे को रूटीन बन जाती है तो थोड़ा मिस होता ना कि हाँ भाई यार आज मैंने कुछ काम नहीं किया। सोच करो 3 किलोमीटर, वैसे मैं 4 किलोमीटर रोज़ चल रहा हूँ, जैसे एक गीता जयंती का चक्कर 3 किलोमीटर का है तो मैं 4 किलोमीटर चल रहा हूँ। बाय 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 बाय, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक इंस्टाग्राम सारी आइडियाँ हैं, फॉलो जाके कर लें। और हाँ, अगर आप मुझे मिलना चाहते हो तो मेरी शॉप है अगर सैन चौक पे, यूट्यूबर मनी लेमिनेशन के लिए, मोबाइल लैपटॉप कैमरा ऑल टाइप लेमिनेशन आपको गली में मिल जाएगी, ट्रैक एंड कोरियर गली में मेरी शॉप है, वहाँ आप मिल सकते हैं। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी गीता जयंती की और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल है मेरा टेक्निकल लवली मनी, प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करें। इसके ऊपर मैं नए मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ और टेक्निकल नॉलेज देता हूँ। थैंक यू फॉर द वीडियो।